हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज दिन में के 12:30 बजे से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी हम लोगों का खाना पीना बनने की तैयारी चल रही है और मम्मी लोग बना रहे हैं झोली भात और हरी सब्जी की टपकी, तो आज हम लोग खाएंगे। वैसे तो मैं झोली खाती नहीं थी, लेकिन परसों की बनी झोली मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज झोली भात ही खाई जाए। और मेरी बहन की फेवरेट है, तो वही बनी है आज, क्योंकि एक दिन के लिए मेरी बहन घर आई हुई है और कल को ये लोग भी चले जाएंगे। मेरा कल भी का आज लास्ट दिन है यहाँ, तो मेरी आंख अभी अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए चश्मा पहन के वीडियो बना रही हूँ। वैसे मुझे शौक नहीं है, आप लोगों ने देखा ही होगा, शायद ही मैंने कभी चश्मा पहना होगा ऐसे वीडियो में या कभी भी फोटो खींचने में भी, पर मजबूरी में मुझे अभी करना पड़ा है। कल तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल तक मेरे को बोलने का भी वो नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा दर्द ठीक है मेरा। आँख तो ठीक नहीं है, लेकिन दर्द थोड़ा कम है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ बगल में जहाँ चाचा लोगों का नया घर बन रहा है। परसों वाली वीडियो में जिस दिन मैं आई उस दिन मैंने दिखाया नहीं, तो सोच रही हूँ आज दिखा लूँ, क्योंकि आज लास्ट दिन है, फिर तो कल को घर ही चले जाना है अपने। और अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगी सब बदले रहेगा। यहाँ सामने है हमारा घर, यहाँ नीचे अम्मा लोगों का, तीर वाली अम्मा लोगों का घर है। ये हमारे गाय का गौशाला, बाहर से बांधने वाला है गाय और भैंस का। और सामने हमारे लीची के पेड़, ये रहा हमारा माल्टा का पेड़ है शायद ये, और इधर को आम के पेड़, और ये सामने रहा कैलाश भाई लोगों का घर। तो ये अगर मेरे पास पुरानी वीडियो कहीं से मिल सकेगी, मुझे यूट्यूब में ही होगी, मिलेगी तो मैं पक्का इसमें अटैच कर दूंगी, एक किनारे से डाल दूंगी कि पहले यहाँ पे कैसा हुआ करता था और अभी ऐसा है। तो नीचे वाली एक मंजिला तो बन चुका है, यहाँ लेंटर लेंटर, डालने की तैयारी भी हो गई है, और फिर दुमंजिला बनेगा। जब दुमंजिला कंप्लीट हो जाएगा और पूरी फिनिशिंग सब जगह सारी चीज़ों की फिनिशिंग हो जाएगी, पेंट वगैरह सब कुछ, उसके बाद हमारे यहाँ चाचा की शादी है, दूसरे नंबर की चाचा की शादी होने वाली है। तो मार्च या अप्रैल में शादी होगी। और नीचे जो ब्लू कलर का घर दिख रहा है वो भी उन्हीं का है, और इधर साइड को उन्होंने नया गौशाला बनाया है। और अभी फ़िलहाल यहाँ कोई है नहीं शायद काम वालों के अलावा। अच्छा, मेरी बहन है, चाचा की बेटी है वहाँ। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है यहाँ, कुछ टाइम बाद आऊँगी, सब नया नया होगा और यहाँ कुछ चहल पहल होगी, क्योंकि शादी वाले माहौल में तो सभी को पता है अच्छा लगता है, मायके में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है, अपने घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ও জব্বে তার রূপা তাই বনে বস তো খানতো তো না বনাই দি ববি কাহা যা রে আজ কি ববি রাজ বিলি 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 ভাগ না ববি রাজ তো না তো ববি রাজ সে বনা হ্যালো ইকা না ইউ রাজ হে চন্দনিয়া ও খুশকা আর 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 बिटिया मेरी, तूने क्यों सॉक्स पहने? मैं ये लगा रही हूँ, पहले निकाल इनको, ऐसे लगाऊंगी ना ये। हाथ भी दे, हाथ भी दे, हाथ दे। एक बार और सुना, लूरी लूरी। दोस्तों, खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी दुकान में को, और अभी फ़िलहाल पहले मैं जाऊंगी अपनी दीदी के वहाँ, और उसके बाद जाऊंगी मैं चाची के पास। और जो मैं परसों आपको पाइप लगाते हुए दिखा रही थी कि यहाँ पे अम्मा लोग पाइप लगा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कि पीछे साइड से ऊपर पता नहीं कितने पीछे से वो पाइप लगा के लाए हैं खेतों में डालने के लिए। तो करीब 15 साल हो गए होंगे, 10-15 साल हो गए होंगे ये पाइप ऐसे ही लगाते हैं, क्योंकि केनाल तो बन नहीं सकती ऐसी जगह में, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटी नदी है और उधर साइड से भी नदी आती है, तो यहाँ पे केनाल तो बन नहीं सकती, इसलिए वो लोग पाइप लगा के ही अपने खेतों में पानी डालते हैं। और साल के तो 2-3 पाइप होते ही होंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और छेद भी कर जाते हैं उसमें, और बहुत अच्छा होता है ये सिंचाई के लिए। तो आज सुबह जब हितेश लोग गए यहाँ से, मैंने उन लोगों को भी दिखाया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, सब कुछ बताते हुए आ रही थी मैं, और सुबह सुबह निकल गए थे वो लोग, मैं बताना भूल गई थी, लेकिन सुबह सुबह वो लोग यहाँ से चले गए थे। और मैं अभी थाने के यहाँ पे पहुँच गई हूँ गप्पे मारते मारते, अब मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊँगी, पहले मैं चलती हूँ दुकान में, फिर मिलूँगी। तो
दीदी के वहाँ आए हुए मुझे एक घंटा हो गया है और अभी फिलहाल मैं आई हुई हूँ दीदी लोगों की छत में। नीचे यहाँ पे दीदी लोग सिलाई कर रहे हैं। दीदी का सिलाई का बहुत ज़्यादा काम होता है तो अपने काम में ही बिज़ी रहती है वो। और अभी फ़िलहाल मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सामने का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊं, मेरा मायका यहाँ से कितनी दूर में है, जहाँ मेरी दीदी रहती है वहाँ से मेरा मायका कितनी दूर है, तो दिखाती हूँ आपको। ये रही दीदी लोगों की रहने वाली जगह, मतलब यहाँ है दीदी लोग का कमरा और नीचे है उनकी शॉप। यहाँ से सामने ये पुल जो रही, यहाँ पर हमारी दुकान है पुल के थोड़ा सा बगल में, और यहाँ से इतना डिस्टेंस है, उसके बाद हमारा घर रहा सामने। और अभी फ़िलहाल वो लोग मेरे लिए चाय भी बना के लेके आ गए हैं, तो चाय वगैरह पीते हैं हम। और इधर की मार्केट कुछ ऐसी है, अभी पुराने दिन याद आ रहे थे। हर बार छत में आते हैं कुछ ना कुछ हम बातें करते हैं दीदी और मैं, तो पुरानी पुरानी बातें याद आ रही थी। मैडम जी का दिन में का काम सुबह के टाइम पर क्या था, सुबह भी करी थी क्या कुछ? सुबह तो घर का काम, दिन में के टाइम का एक ये ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया है वो लिया आज का। ये दुल्हन का, कोई दुल्हन होंगी हम लोगों के यहाँ, तो मतलब हम लोगों के यहाँ कुछ, मैंने भी पहले पहले तो ऐसे पूरा डीप डीप बनाती थी, अब मुझे पता चल गया है ऐसे ब्लाउज अच्छे नहीं होते हैं करके। तो इनका ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है, चेन वाला है ये, अच्छा बनाए। आ गया है हमारे लिए नाश्ता, और ये वही समोसे हैं। समोसे का वो तो थोड़ा अंकल जी ने अब बदल दिया है ना, सेब बदल दिया है, लेकिन चटनी वही है। और शायद ही कंस्यूम में इनकी जैसी चटनी बनाता होगा कोई, बना दी किस चीज़ की बनाते थे पहले, वो जो किरमोड़े जो हमारे यहाँ रास्ते में होते हैं ना, ये चटनी सबसे अलग है यार, कोई इस तरीके की चटनी बना ही नहीं सकता है। और फेमस हमारे अंकल जी के समोसे। चाय भी आ चुकी है, सासू माँ भी बैठ चुकी हैं, चुप हो गई साथ, तब हम खाते हैं फिर। ये चाय तेरी है सासू माँ की। तो चाय पानी पीने के बाद अब हम जाने लगे हैं वापस। और मैंने बगल में जो हमारे दादा अंकल जी हैं, मतलब जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ के लिए मैंने स्वेटर लेनी थी, तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं जब जाऊँगी तो वहीं से उधर साइड वाली मार्केट, वहाँ को कपड़े वाली दुकान बहुत है ना, तो मैं सोच रही हूँ वहीं से लूँगी और अपनी दीदी लोगों को भी ले जा रही हूँ। दीदी और दीदी की भांजी भी आ रही है मेरे साथ, और मैंने अभी दुपट्टा पूरा लपेट लिया है अपने मुँह में और चश्मा भी लगा लिया है। अब हम चलते हैं, कल को ये भी जाने वाली है, ये लोग भवाली रहते हैं, तो ये लोग ये तो जाएगी सुबह की बस। जाने लग गए हैं घर को, और हम हैं अभी फ़िलहाल अपनी पुल में बड़ी वाली, और ये सामने रही गोला नदी जो मिलती है कहाँ पे, काठगोदाम में। और चलते हैं हम, थोड़ा बहुत अगर कुछ सामान मिलता है जो मैंने ले जाना है तो वो भी खरीद लूँगी और फिर मिलूँगी आप लोगों से। लोगों को करीब 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ, देख देख के हालत ख़राब हो गई है। स्वेटर और कुर्ती वगैरह बहुत अच्छी अच्छी स्वेटर आई हुई हैं, और मैंने तो अपने लिए कुर्ती देख भी ली है एक बार भैया, तो ये वाली कुर्ती मैंने देखी है अपने लिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और जो अंकल जी ने जो स्वेटर मंगाई है उस वाली स्वेटर में मैंने ये सारी फ़ोटो भेजी है, आप देखती हूँ उनको कौन सी पसंद आती है। तब तक मेरी दीदी अपनी बेटी के लिए देख रही है ट्रक सूट। हम लोग आ गए हैं अपनी दुकान में, अब मैं यहाँ से ले रही हूँ। दीदी ने एक सैंड वो लिए थे ना जूती टाइप के, तो सेम टू सेम दीदी के जैसी जूती मैं भी ले रही हूँ। इस टाइप की जूती ली, और मेहरून कलर का कपड़ा मुझे मिला ही नहीं यहाँ, रेड कलर के कपड़े हैं, ये मेहरून चाहिए थे मुझे पेंटिंग के लिए, जो मुझे नहीं मिल रहा है। और दीदी को ट्रैक सूट भी मिल गया है, वो हमारी दुकान में था, वहाँ तो मिला नहीं, यहीं से ले लिया हमने। अब मैं जूते वगैरह लेके जाती हूँ इसके साथ घर को। आज की शॉपिंग मेरी ये रही, ये जूते मुझे सही लगे, जूती है मतलब ये जूते जो बोल रही हूँ, तो ये जूती रोज़ मैं अपनी दुकान में पहन के जाऊँगी, मेरे को रोज़ रोज़ जूते पहनने पड़ते थे और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, तो वापस से मैं अब जूतियों में आ गई हूँ। स्कूल टाइम पे मैंने बहुत जूती पहनी है और अब फिर से स्टार्ट कर दी है।
ये जूती का कलर कुछ ऐसा है जो मेरे स्लीपर से मैच कर रहा है और रेट दोनों के सेम है। ये हमारी दुकान से ही मैंने ली है, 200 की जूती है और ये 200 के स्लीपर मैंने लखनऊ से लिए थे। और एक मेरी ये कुर्ती है जो मैंने ली है, मैं पहन के ही दिखाऊंगी इसको तो बाद में, ये भी बहुत प्यारी है। तो अभी चलते हैं बाहर से हम लोग और वो करते हैं चाउमीन वाउमीन लेके आई हूँ चाची लोगों के लिए, तो वो देते हैं अभी अभी बना के देंगे। एक ही बार उठ बस, एक ही बार देख मुझे एक फोटो लेनी तेरे साथ। तो हमारी रात की कपड़े भी पूरी हो गई है अम्मा के वहाँ। अप्रैल में तेरा बर्थडे आता है, स्टेटस लगाऊंगी। अप्रैल में आता है ना, 12 अप्रैल को मुझे सबका बर्थडे याद है। सुन लो, रूपा का भी फोटो भेज देना। तो अब हम लोगों की गप्पे बहुत, 2 घंटे की गप्पे शायद हम लोगों ने मार ली। अब जाते हैं घर, खाना वगैरह खाएंगे। वेदु भी मम्मी और पापा ही देखने में लगे हैं, मैं तो यहीं आ गई थी, मैं इसके साथ बैठी हूँ कब से। और मैं शुभवा भी यहाँ आया है। तो दोस्तों अब मैं जाने लग गई हूँ घर को और इस बार की गप्पे तो पूरी हो गई है। अब कल सुबह को सीधे जाना ही है, दिन दिन के टाइम में जाऊंगी और अब आऊंगी अगली बार चाचा की शादी में आऊंगी शायद, या अम्मा की बारसी में, बगल में अम्मा की बारसी होगी जहाँ मैं बैठी थी ना अभी तक, वहाँ अम्मा की बारसी होगी शायद, तब आऊँगी, देखते हैं कब आते हैं। और अभी चाची ने यहाँ पूजा पाठ कर ली है, आज वो था ना पूर्णिमा, तो चाची का फास्ट था, चाची ने पूजा कर ली है। अब हम लोग भी खाना खाते हैं और भगवान करे जितनी मेरी ये इधर को सूजन है आँख में वो भी ठीक हो जाए। चश्मा देख रहे होगे आप लोग मेरा, रात को भी सर में ही है। तो कल को घर भी जाना है और वापस से अपने काम करने हैं, हमेशा के जैसे जैसे मैं दुकान में लगी थी वैसे ही लगे रहना है। तो आप लोगों को मैं मिलूंगी अब थोड़ी देर बाद मिलूंगी, वैसे सोते वक्त क्या पता वेदू कुछ सतानियां कर रही होगी। तो ये वेदू का गिफ्ट जो मिला था ये सारा मैंने फैला के रखा है मम्मी के नीचे वाले कमरे में, तो मैं इसको भी सेट करूंगी क्योंकि घर जाने के लिए सामान जल्दी जल्दी पैक करना पड़ता है। और आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। अब मान गया, देख हमारे घर चले, हमारे साथ सोएगी, चले क्यों, हमारे पास छोटी छोटी तकिया भी है, चले के पास। मत कर वेदू ऐसा, मत कर मुंह में, वेदू मुंह में लगेगी चोट, उसको दांत से खोल दे रही है, मुंह में लगेगी। क्या चाहिए तेरे को, ये टॉफी को लग दो अभी। चलो एक चीज तो रखनी है, खोल दो। अगर यहाँ पे खाएगा तो सबको देनी पड़ेगी, देगा नहीं, नहीं नहीं देनी है सबको, वेदू को तो खास करके नहीं देनी क्योंकि उसने जेम्स खाए, नहीं खोली थी अभी, हाँ। जेम्स खा रखा है, बड़ी तो उसके दांत तो मुझे अच्छी दिखती। दोबारा कर, दोबारा करवा इससे।